हेलो एवरीवन, आप सबका नरेश गुरु में स्वागत है। तो आज हम आए वर्नियर एज ब्लिस का प्रोजेक्ट देखने के लिए, जो कि G+3 का रहेगा। इससे पहले मैं ये प्रोजेक्ट आपको दो बार दिखा चुका हूँ, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन जब था। अभी देख सकते हैं पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा है, देख सकते पूरा बिल्डिंग रेडी है यहाँ पे, देख सकते साहब। अभी जो मैं 30 मीटर रोड पे खड़ा हूँ, देख सकते ये हो गया आपका 30 मीटर रोड, जो कि फ्रंट में आता है बिल्डिंग के, और इस साइड में आता है 11 मीटर का रोड जो कि साइड फेसिंग रहेगा। देख सकते हैं पूरा एल टाइप का यहाँ पे कॉर्नर का जो बिल्डिंग रहेगा, कॉर्नर पे ये बिल्डिंग आता है आपका। और इस साइड में आता है आपका बामन डोंगरी स्टेशन, जो कि आपको 1 किलोमीटर पे मिलेगा। उसका वॉकेबल डिस्टेंस रहेगा 10 to 15 मिनट्स रहेगा। और इस साइड में आता है आपका खार कोपर स्टेशन, जो कि यहाँ पे आपको 1.5 किलोमीटर पे मिलता है। उसका भी आपको वॉकेबल डिस्टेंस 10 to 15 मिनट्स जाएगा, देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 30 मीटर रोड और ये हो गया आपका प्रोजेक्ट। अभी इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स में बात करते हैं, तो इसमें अभी 12 फ्लैट अवेलेबल है, 12 यूनिट अवेलेबल है, और नीचे जो शॉप्स है वो 50% शॉप सोल्ड आउट है, वो 50% शॉप अवेलेबल है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका पूरा बिल्डिंग। अभी चलते हम अपने सैंपल फ्लैट भी, इसमें अभी रेडी है, तो मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखा देता हूँ। तो चलिए भी हम सैंपल फ्लैट में चलते हैं। यहाँ पे ए साइड में इसका एक एंट्री गेट आता है और ए साइड में इसका एक एंट्री गेट आता है, तो चलते भी हम इसके सैंपल फ्लैट में। चलिए तो अभी हम देखते हैं अपना सैंपल फ्लैट। ये हो गया अपना सैंपल फ्लैट। जैसे हम सैंपल फ्लैट में एंट्री लेते तो यहाँ पे आता है आपका एक लिविंग, बिग साइज आपको यहाँ पे हॉल मिलता है, देख सकते हैं 15x10 का आपको यहाँ पे हॉल मिलेगा। देखिए काफी स्पेसेस यहाँ पे हॉल मिलता है, और हॉल का बाहर का व्यू देख सकते हैं। ये जो सामने दिख रहा है आपको सेक्टर 26 है, यहाँ पे पहले पहाड़ी थी, पूरा भी कटिंग वगैरह करके निकला हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे एक बाजू में प्रोजेक्ट आने वाला है, तो यहाँ पे इतना आपको कुछ खास व्यू नहीं आएगा। और यहाँ पे हॉल में आपको बालकनी नहीं मिलने वाले, यहाँ पे आपको इनविजिबल ग्रिल्स आने वाले, ऐसे बाहर में यहाँ पे इनविजिबल ग्रिल्स आएंगे यहाँ पे, ये देख सकते हैं आपका हॉल हो गया। तो अभी हम चलते हैं आपके किचन में। तो हॉल से जैसे आप आगे हो गए तो राइट साइड में आता है आपका यहाँ से किचन, देख सकते हैं सिंगल प्लेटफॉर्म का आपको यहाँ पे किचन आता है। किचन में आपको काफी स्पेसियस मिलता है, किचन का जो आपको साइज मिलता है 9x6 का आपको यहाँ पे किचन का साइज मिलता है। और किचन में आता है आपको एक बड़ा बालकनी, देख सकते हैं। बस आपको पूरे फ्लैट में किचन में बालकनी मिलेगा, देख सकते हैं, और साइड का पे व्यू हो गया। फिर जो बिल्डिंग रहेगा आपका G+3 का बिल्डिंग रहेगा, इसमें सारे आपको 1BHK मिलने वाले। तो ये हो गया आपका टॉयलेट, यहाँ पे आपको टॉयलेट का साइज मिलता है 4x6 का, आपको यहाँ पे टॉयलेट का साइज मिलता है, देख सकते हैं। अभी चलते हैं हम अपने मास्टर बेडरूम में। तो इस बिल्डिंग में आपको सारे मास्टर बेडरूम ही मिलने वाले, देख सकते हैं 1BHK का पूरा बिल्डिंग रहेगा, और इसमें आपको सारे मास्टर बेडरूम मिलने वाले। ये हो गया आपका बेडरूम, बेडरूम का जो आपको साइज मिलता है 9x10 का, आपको यहाँ पे बेडरूम का साइज मिलता है। बेडरूम में आपको एक अटैच टॉयलेट मिलता है, इसका जो आपको साइज मिलता है 3x6 का आपको इसका साइज मिलता है। और ये हो गया आपका बेडरूम, बेडरूम में आपको बालकनी नहीं मिलेगा, यहाँ पे बाहर आपको इनविजिबल ग्रिल्स मिलने वाले। पूरे बिल्डिंग में ही सारे फ्लैट्स में आपको इनविजिबल ग्रिल्स मिलेंगे। और ये हो गया आपका स्पेशियस बेडरूम। तो ऐसे प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।